अरे मिर्जान पहले ये बताओ यार कि मतलब हुडी कैसी लग रही है, मतलब बढ़िया लग रही है नहीं लग रही है? तुम लोग एक्चुअली एक चीज़ नोटिस की हो कि मतलब मेरी वीडियो में कभी मैं कपड़े रिपीट नहीं करता, मतलब नीचे तो मैं चड्ढा पहन के नंगे ही शूट कर लेता हूँ, चड्डी पहन के ही, चड्डी वैसे मैं पहनता नहीं, नंगे ही शूट कर लूँगा, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ना कपड़े, अगर मेरे चैनल पर 250 वीडियो हैं तो 250 में कम से कम 230 वीडियो ऐसी होंगी कि मैंने कपड़े, क्योंकि लाइव सेशन में रिपीट करता हूँ, बाकी ऐसे मैं कपड़े कभी रिपीट ही नहीं करता। चलो एक ये भी एक फैक्ट है चैनल का भाई, भौकाल है वो भी, उसका भी अलग सहेगा, उसूला जिंदगी का भाई, ठीक है। सो गाइस चलो कल के दिन में हमने कवर किए, चार मैच हमने कवर किए थे, बोला था कि चार में तीन मैं आपको जिताऊंगा कंफर्म, और चार में तीन मैंने आप लोगों को 100% क्लीन स्वीप कराया है। कल भी, परसों भी चार में तीन 100% क्लीन स्वीप कराया था, कल भी चार में तीन मैच 100% क्लीन स्वीप कराया। एक मैच जो हमारा इंग्लैंड और ये बांग्लादेश वाला ये रह गया, पता है क्यों? जो सुनो बताता हूँ, हुआ क्या था, मैंने बोला था आप लोगों से वीडियो में कि यार जेसन रॉय को हमें जो है, मतलब अगर अगर ये सेकेंड इनिंग में अगर इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो हम बेस्टो को नहीं लेंगे, हम जेसन रॉय को लेंगे, ठीक है। और मैं हरा टॉस होने के बाद मैं सो के उठा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और मैंने पता नहीं क्या सोच के यार मैंने उसको ले लिया, मैंने बेस्टो को ले लिया, जेसन रॉय को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और जेसन रॉय मार गया, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया यार, मतलब मेरा नुकसान हुआ है, मतलब मैंने इन्वेस्ट किए थे 7 लाख रुपए, मेरे वापस आए थे मेरे 2.5 लाख रुपए, 4.5 लाख का मेरा नुकसान हुआ था इस वाले मैच में। और पता है क्या, ये भी बात है ना, नींद पूरी नहीं हो पा रही, एक दिन में 1.5 घंटे 2 घंटे ही सो पाता हूँ, आज सोया हूँ 2.5 घंटे, बाकी दिन में 1.5 घंटे 2 घंटे ही सो पाता हूँ, नींद पूरी हो नहीं पा रही है, 4 दिन से लगातार वही हाल चल रहा है, थोड़ा दिमाग भी डिस्टर्ब हो गया था, आज एक ही मैच है तो आज दिन में आराम से सोऊंगा, बड़े दिन बाद नींद नसीब होगी। तो बाकी हाँ, डेविड मलन का बोला था कि भाई मैंने वीडियो में कि यार अच्छा करेगा, डेविड मलन ने अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला। टेमन मिल्स का बोला था पहली इनिंग में बॉलिंग करेगा, टेमन मिल्स विकेट लेगा 2 से 3, और उसने 3 विकेट लिए। और सुनो, क्रिस बॉक्स का बोला था वो भी 2 विकेट तक लेगा, और वो लिया तो एक ही विकेट है शायद, एक ही विकेट लिया, लेकिन कैचेस पकड़ के आपको उसने अच्छे खासे पॉइंट दे दिए, तो अपना काम बनता, भारतीय जनता अपने को पॉइंट से मतलब है, ठीक है। आदिल राशिद का बोला था विकेट नहीं लेगा, आदिल राशिद मैंने क्लियरली बोला था कि आदिल राशिद जो है विकेट नहीं लेगा, ठीक है, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराता है तो विकेट नहीं लेगा, सेकंड इनिंग में कराएगा तो ले लेगा, और आदिल राशिद आपके ओपोनेंट के सबकी टीम में होगा, बट आदिल राशिद ने विकेट नहीं लिया। और क्या बोला, मोइनअली का बोला था मोइनअली इस मैच में बॉलिंग कराएगा पूरे ओवर, और 2 विकेट तो एक तो कन्फर्म निकलेगा, बाकी 2 विकेट तो निकाल सकता है, ऐसा मैंने वीडियो में बोला हुआ था। अपनी नहीं भरोसा होता तुम पुरानी वीडियो जाके देख लो यार, अगर कोई बात में भरोसा ना हो, और मोइनअली ने 2 विकेट निकाले, ठीक है। अच्छा ये छोड़ो, रात वाला मैच आओ, रात में ये स्कॉटलैंड नामीबिया का मैच था, अब जाओ तुरंत मेरी वीडियो देख लो जाके स्कॉटे वाले में, जिस प्लेयर को 21% लोगों ने लिया था टॉस के बाद, मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था कि इस प्लेयर को आप लोग जिनको रिस्क लेना है, इस प्लेयर को आज अपनी टीम में लो, ये विकेट लेगा, क्या नाम था उसका, ट्रम्पल मैन, एक ही ओवर में बंदे ने 3 विकेट पेल दिए थे, और ये वही प्लेयर है जो मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर भी टॉस के बाद बोला था कि जो रिस्क लेना चाहता है अपनी टीम में ले ले, और मेरी जनता ने लिया और क्लीन स्वीप किया। और स्मिथ का, और ये भी बोला था मैंने कि तीन ऑल, ये जो इनके ऑलराउंडर है नामीबिया के, तीन के तीनों ऑलराउंडर आपकी टीम में जरूरी है, स्मिथ हो, फ्राइलिंग हो और डेविड विजे, और तीनों ने ही कमाल की मतलब पॉइंट्स दिए हैं। जॉर्ज मुंसी को सभी लोग ले रहे थे, सब ले रहे हैं, मैंने बोला था, और मैंने वीडियो में क्या बोला था, मुंसी नहीं चलेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि मुंसी नहीं चलने वाला है इस मैच में, और मुंसी नहीं चला। तो यार इतने अच्छे प्रेडिक्शंस जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लगातार, अभी पिछले 9 मैचेस में हम लोगों ने 8 मैच जीते हैं, ठीक है, सॉरी 7, ठीक है, पिछले 9 मैचेस में हम लोगों ने 7 मैच जीते हैं, तो इतना अच्छा मैं आप लोगों को विनिंग करा रहा हूँ, इतनी अच्छी टीम दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और आप लोग यार लाइक वाइक देने में कंजूसी कर रहे हो, तो मेरे भाई प्लीज़ आज की वीडियो आप लाइक करके शुरू करो, ठीक है, लाइक करके वीडियो को शुरू करो। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, वो ये है कि आज की इस वीडियो में हम मतलब मैं आपसे एक टाइम मांगा, प्लीज़ टाइम दो वीडियो को, क्योंकि अगर आपने वीडियो को टाइम नहीं दिया आप इस मैच में लॉस, ये जो मैच होने वाला है श्रीलंका वाला ऑस्ट्रेलिया का, इस मैच में आपका नुकसान हो जाएगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, 100% आप जीतोगे, जिताने की गारंटी मेरी है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स लिखी हुई हैं आपके लिए, मैंने बहुत अच्छे प्रेडिक्शन लिखे हुए हैं, और वो प्रेडिक्शन सच भी होने वाले हैं, आप देख लेना 80-90% प्रेडिक्शन जो है सारे सच होंगे ही होंगे, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अपनी स्मॉल लीग की टीम फाइनल टीम में देने वाला हूँ, मतलब फाइनल टीम, आज मैं शायद टेलीग्राम पर टीम, अगर कोई चेंज होगा मेरी टीम में तभी मैं टेलीग्राम पर टीम डालूंगा, अदरवाइज जो टीम मैं यूट्यूब पर दूंगा तो वही टीम मेरी फाइनल होगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं अवेलेबल ना रहूँ आज टेलीग्राम पर, तो इसलिए, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि टॉस के बाद कौन कौन से चेंजेस करने कब करने सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो चलो ज़्यादा देर ना लगाते वीडियो को हम शुरू करते हैं।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाहों को खोल के आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच की, जो कि खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मैच की टीम न्यूज, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, मैच के प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन। ड्रीम 11 टीम भी मैं दे रहा हूं इस वीडियो में आज, और फाइनल टीम दे रहा हूं, बता रहा हूं फाइनल टीम दे रहा हूं, फाइनल टीम, ठीक है। और टेलीग्राम पर शायद मैं टीम नहीं दे पाऊंगा, फिर से बोल रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, क्या क्या चेंजेस करने सब बता दूंगा, और कुछ स्टैट्स और एनालिसिस के ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब बातें करने से पहले मैं बताता हूं कि ये यहां पर जो मैच के प्रेडिक्शंस हैं, यहां पर जो टीम मैं आपको दे रहा हूं, इनिशियल होगी, फाइनल जो भी जानकारी है, प्लीज सभी लोग जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं लाखों रुपए के गिवअवेस कराता हूं। आज भी दिन में मैं 1 लाख रुपए का गिवअवे डाल दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर 3,95,000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि रोजाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी अगर कमाना चाहते हो, आप भी जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लिंक आपको ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। और अगर लिंक अगर काम ना करे तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना अनुराग द्विवेदी, ब्लू टिक लगा हुआ है, वेरीफाइड चैनल है, ब्लू टिक लगा हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम पर देखते हो वही वाला, तो वो वेरीफाइड चैनल है, वही चैनल ज्वाइन करना, फेक चैनल ना ज्वाइन करना। या फिर ये सर्च करना टेलीग्राम पर @anuragxcricket, ठीक है। तो ट्रिपल एक्स का मतलब जानते हो तुम, बताओ कमेंट करके। तो मैंने देखो बीच में एक एक्स लगाया हुआ है, तो ठीक है, तो ये है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं कि मैं टेलीग्राम पर फाइनल टीम दूं, बट अगर कोई चेंज होगा तभी करेंगे। अगर जो मैंने टीम वीडियो में दी है, ठीक है, मैंने एक टीम आज आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये टीम रहेगी, ऑस्ट्रेलिया टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो ये टीम रहेगी, मैंने दे दिया। अगर कोई मान लो प्लेयर नहीं खेल रहा तो अलग बात है, फिर तो टेलीग्राम पर मुझे बताना ही पड़ेगा। बट अगर ऐसे होता है क्योंकि सारे प्लेयर खेल रहे हैं तो, और मेरी टीम वही है जो मैंने वीडियो में दी है, तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पर टीम नहीं दूंगा, फिर यही वीडियो वाली टीम ही फाइनल है। और क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स आज के मैच में आपको दे रहा हूँ। ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा मैच है, और स्मॉल लीग के लिए भी जैकपॉट मैच है समझ लो। और ये और क्या नाम है, और ये मैच के प्रेडिक्शन जो है वो भी बहुत सही जाने वाले हैं आज मेरे फिर से, और मैच के प्रेडिक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बहुत काम आएगा आपके ग्रैंड लीग में भी खेलने में, और स्मॉल लीग में आराम से क्लीनशिप करने में बहुत काम आने वाली वीडियो, ध्यान से देखना, ठीक है। और बाकी लास्ट वीडियो को जो हमारा गिव अवे था, गिव अवे में कोई विनर बना नहीं, और इस वीडियो में मैं आपको गिव अवे नहीं दे रहा हूं। उसका रीजन क्या है बता देता हूं मैं आपको। देखो वो क्योंकि मैं बहुत टाइम ले लेता हूं, ऐसे मैं चाहता हूं कि आपका मैं कम टाइम लूं, 15-20 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए और अच्छे से मैं आपको हर चीज समझा दूं, ठीक है। और अभी 2-3 दिन गिव अवे नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि काफी लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग जीते हैं, पेंडिंग है, पहले उनका हम खत्म करवाएंगे, ऐसे लोड हो रहा है, फिर लोग कमेंट करते हैं बुरा लगता है, ठीक है। तो प्लीज अब ऐसा नहीं, गिव अवे नहीं तो आप लाइक ना करो, लाइक कर दो, लाइक तुरंत करो, हम वीडियो को शुरू करते हैं, और आज भी पैसा कमाएंगे, जैसे हम लोग हर रोज 3-4 दिनों से हम लोग लगातार कमा रहे हैं, वैसे हम आज भी पैसा कमाएंगे, ठीक है, सब लोग दुआ करना। चलो अब शुरू कर देते हैं वीडियो, ठीक है, लाइक कर दो और कमेंट कर लो, और जिस भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और रेगुलर आपने हमारी वीडियोज देख ली, तो भाई साहब आपकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। जितना आप कमा सकते हो उतना आप कमाते रहोगे, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं दोस्तों टीम न्यूज से। देखो तो हम मतलब जो खबर आ रही है, तो हमारे पास क्या खबर है, ये हमारे पास यही खबर है कि इस मैच की कोई खबर नहीं है, यही हमारे पास खबर है, कोई खास न्यूज़ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, और श्रीलंका के भी सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, और सब मतलब कि, और मेरे ख्याल से दोनों ही टीमें अपनी सेम प्लेइंग 11 से जाएंगी जो कि लास्ट मैच में गई थी, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डेविड वॉर्नर, एरॉन फिंच, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस, मैथ्यू वेट, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉर्ज हेजलवुड, ये होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। अगर हम बात करें दोस्तों इनकी क्या नाम है इनका, श्रीलंका की, तो कुशल परेरा, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है हर बार मेरे मुंह में, अब ये मत बोलना भाई क्या लेता है मुंह में, कुशल परेरा, फिर निशान का है, और चरित असलंका है, और अविष्का फर्नांडो है, भनुका रजापक्षा है, रजापक्ष, और ये और ये दसुन शनाका, वनिधु हसरंगा, और चमिका करुणा रत्ने है, फिर ये ठीक साना, दुष्मंत चमीरा, और ये लहरू कुमारा, बी फर्नांडो की जगह पर ठीक साना, ये खेलेंगे, ये चेंज बस हो रहा है, मतलब हो रहा है इनकी टीम में कि बी फर्नांडो की जगह पर ठीक साना खेलेगा, ये चेंज मुझे लग रहा होने वाला है, तो मैंने प्लेइंग 11 में लिख दिया। अभी प्लेइंग 11 की हमने दोस्तों बात कर ली, अभी हम बात करते हैं वेन्यू की, ये मैच खेला जाएगा दुबई में। अच्छा हाँ, एक बात सुन लो, प्लेइंग 11 की तो बात कर ली, मैं कह रहा था कि कोई भी अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, या कोई भी ऐसा बंदा है जो अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था, उसको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ,
काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो प्रमोशन है, ये पार्ट सुनना नहीं चाहिए, बट एक्चुअल में आपके बहुत काम की चीज़ होती है। काम की चीज़ कैसे, देखो माइलियन सर्कल की बात कर रहा हूँ, माइलियन सर्कल ऐप पर आपको पहली बार तो 1500 रुपये तुरंत मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है, जब आप डाउनलोड करोगे। लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से माइलियन सर्कल की ऐप डाउनलोड करो। दूसरी चीज़ यह है, माइलियन सर्कल पर जितनी बार भी इंडिया मैच जीतेगी जितनी बार इंडिया मैच जीतेगी उस मैच में आपको डबल कैश मिलेगा। यानी आप इंडिया वाला मैच खेलो वहाँ पर और आप 2000 रुपये अगर जीत रहे हो और इंडिया जीत गई तो आपको 4000 रुपये मिलेंगे। तो ये कोई और प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा, आपके लिए माइलियन सर्कल कर रहा है। चीज़ का फायदा उठाओ, मैंने कहता रोज वहाँ पर खेलो, जो ऑफर है उसका फायदा उठाओ जी, ठीक है। और मैं आज मुझे फ्री का भंडारा में खाने को मिलता है, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं फ्री चीज़ें नहीं छोड़ता, ठीक है। बाकी एक और चीज़ कि माइलियन सर्कल पर मेगा सीरीज का लीडर बोर्ड भी चल रहा है। वो लीडर बोर्ड क्या है, लीडर बोर्ड ये है कि मतलब कि आपको हर मैच में मेगा लीग ज्वाइन करनी है, ठीक है, ग्रैंड लीग, और आपके पॉइंट जुड़ जाएंगे लीडर बोर्ड में। लीडर बोर्ड में अगर आपकी रैंक अगर फर्स्ट आती है तो आप 1 करोड़ रुपये विन कर जाएंगे। और एक चीज़, माई इलेवन सर्कल के ऐप पर जब आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो पहली बार जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे आपको 20% का एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा, ठीक है। और माई इलेवन सर्कल पर आप चाहो तो एक बैट्समैन लेके भी काम चला सकते हो, अगर आपको ऑलराउंडर बॉलर ही भरने हैं टीम में भर लो इकट्ठा, तो बहुत सही ऐप है। आपकी अपनी मनचाही टीम आपकी बन जाएगी और कभी कोई क्रेडिट की प्रॉब्लम भी नहीं होती, जो टीम आप बनाना चाहो वो टीम आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वेन्यू, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मैच खेलाएगा। पिच रिपोर्ट की, अभी पिच बता रहा हूँ, पिच क्या है बनने को, तो मतलब देखो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी हेल्प है, इस पिच पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प अच्छी मिल रही है। और सेकेंड इनिंग में देखो, सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके लिए बैटिंग थोड़ा आसान होगी, क्योंकि वो ओस आ जाएगी, मतलब डिव आ जाएगी, शबनम जिसको इरफान पठान कहता है, तो उसकी वजह से बैटिंग थोड़ा आसान होगी, बॉल बल्ले पे आसानी से आएगी, ठीक है। और जहां पर बॉलर बॉल डिलीवर करेगा वहां पर बॉल टप्पा नहीं खाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करे उसके बैट्समैन पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्पिनर्स को हल्की हेल्प है, बाकी मोस्टली वह फास्ट बॉलर्स को ही हेल्प है। बाकी बैटिंग के लिए स्कोर आप 150 से 160 रन आप उम्मीद कर सकते हो, कि श्रीलंका की टीम अगर बैटिंग करी तो वो भी बना सकती है। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया टीम ने अगर पहले बैटिंग किया तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 170 के ऊपर भी बन सकते हैं, ठीक है, या 180 के ऊपर भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बैटिंग है उनके पास, है ना, ओके। अब बाकी पिछले जो 15 मैचेस यहाँ पर खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार ही जीती है और 12 बार चेस करने वाली टीम जीती है। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही करेगी, कन्फर्म है, जो टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी, सट्टा लगाना लगा लो हमसे, ओके। देन पिछले मैच में यहाँ पर पेसर्स को 5 विकेट मिले थे और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले थे, बट उससे पहले मैच में जाओगे तो लगभग 80% विकेट स्पिनर्स को मिले थे, सॉरी फास्ट बॉलर्स को, पेसर्स को, तो पेसर्स को यहाँ पर हेल्प है, ठीक है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें दोनों टीमों की, तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 16 मैचेस खेले आ चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, श्रीलंका ने भी 8 मैच ही जीते हैं हेड टू हेड में और ऑस्ट्रेलिया ने भी 8 मैच ही जीते हैं, मतलब इन दोनों ने अभी तक जो मुकाबला बराबर ही रहा है। बट पहले की श्रीलंका की टीम वाली अगर आप देखोगे अलग टीम है, अभी की टीम अलग टीम है, अभी वो मज़ा नहीं है श्रीलंका में जो पहले था। तो ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है, अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो चाहे श्रीलंका 180-200 कर दे, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, ओके। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो देखो मैं ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में नहीं, जो जरूरी है मैं वो बताता हूं। डेविड वार्नर ने श्रीलंका के सामने 12 मैच खेले हैं, 447 रन बनाए, यानी कि रिकॉर्ड जो है काफ़ी अच्छा है डेविड वार्नर का, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बट रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। एरॉन फिंच मेरा मनहूस प्लेयर, 8 मैचों में 217 रन है, ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं, बाकी ख़राब भी नहीं है रिकॉर्ड इसके हिसाब से, इसके तो 8 मैच में अगर 20 रन भी होते हैं ना तभी मैं बोलता ठीक बढ़िया है रिकॉर्ड, मैं जो रन ही नहीं बनाता है सारा चूतिया भाई, ये बंदा ऐसा है, इतना हरामी है, बता रहा हूँ मैं। बिग बैश लीग चल रही थी अभी लास्ट सीजन, मैंने इसको लगातार 10 मैच में भाई मैंने इसको जो टीम में लिया, वाइस कैप्टन बनाया, मैं लॉस 8 या 10 मैच में, मानोगे 8 या 10 मैच में लगातार मैंने इसको टीम में लिया है। और आप जाके चेक कर लो, 8 या 10 मैच में लगातार इस बंदे ने 20 रन ही बनाए, इतना मजा चूत है भाई यार, सही बता रहा हूँ। 8 मतलब कौन ऐसा होता है, मैं जाऊंगा साला, तुम मुझे शारजा में खिला दो, अबू धाबी में खिला दो, मुझे तुम मेलबर्न में खिला दो, मैं बना दूंगा जाके बहन तो 30-40 रन अगर मुझे अपने पे आ गया तो। चूती आदमी हट, इसका मन मजबूरी में लेना पड़ेगा इसको, मैं मुझे टीम में अगर ये चेस करेगी ऑस्ट्रेलिया, वरना मैं इसको लंड मेरा मन नहीं है इसको लेने का साला, मन करता है इसके मुंह में ही देखे हिला दूं बहन, खलता है मुझे इसका नाम लेने में भी। नीचे स्टीव स्मिथ 7 मैचों में 124 रन, फिर ठीक है, उसके बाद मिचेल मार्श हैं
मिचेल मार्स ने ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई भी मैच अभी तक खेला नहीं, बाकी इस ग्राउंड पर 3 मैचों में 42 रन किए हैं और 2 विकेट भी ले चुका है, ठीक है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल बता, ग्लेन मैक्सवेल ने 6 मैचों में 281 रन किए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। अरे ये मैक्सवेल भैया, इनके ऊपर कौन सी आत्मा आ गई, कौन सी देवी माँ का, कौन से बाबा का प्रसाद, देवी माँ का प्रसाद वरदान लेके आए हैं कि हर मैच में रन बनाते हैं, हर मैच में जो है विकेट लेना है इनको। है भाई बस कर यार, बस कर प्लीज, एक मैच में फ्लॉप हो जाए मेरे लिए कोई जैकपॉट बना दे मेरे जान प्लीज। ये बंदे, इस बंदे ने मुंबई इंडियंस के लिए, जब ये पहले मुंबई इंडियंस की टीम में था, ठीक है, और इस बंदे किसी को नहीं पता था इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इसको अपनी टीम में लिया था, टीम में लिया था बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की टीम में नहीं लिया था, हाँ पता नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन इसने अच्छे पहले ही मैच में अच्छे रन बनाए थे, मुझे याद है आज भी, तो वो चीज़ है। बाकी मार्कस स्टोइनिस देखो भाई, भाइयों मतलब अभी पक्का नहीं कि बॉलिंग करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से शायद नहीं करेगा, ठीक है। अगर पहले बैटिंग करती है और सीरियस टीम आप लेना चाहते हो ग्रैंडी भी लेना, बाकी ऐसे मत लेना। पैट कमिंस ने 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं, मिचेल स्टार्क ने 6 मैच में 9 विकेट लिए श्रीलंका के खिलाफ, 7 मैचों में 14 विकेट एडम जंपा ले चुका है, बट आज लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। जॉस हेजलवुड मतलब इनके सामने कभी खेला तो है नहीं, बट इस ग्राउंड पर 6 मैच में 6 विकेट ले चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीलंका के प्लेयर्स की। श्रीलंका की तरफ से कुशल परेरा 7 मैचों में 174 बना चुका है, ठीक ठाक है रिकॉर्ड, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, ठीक ठाक भी नहीं, कमी है बट चलो ठीक ही है। अविष्का फर्नांडो 2 मैचों में 37 कर चुका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भनुका रजापक्सा 2 मैचों में 19 रन बनाया है। दशुन सनाका 3 मैचों में 18 रन और 3 विकेट भी लिए। वनिधि सरंगा ने 2 मैच में 15 रन बनाए और विकेट एक भी नहीं लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं तो प्लेयर्स बैटल की, तो 2 प्लेयर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा मैं ढूंढ नहीं पाया। देखो कुशल परेरा और ग्लेन मैक्सवेल का, कुशल परेरा ने ग्लेन मैक्सवेल की 13 बॉल खेली है, 19 रन बनाए और 2 बार आउट हुआ है, ठीक है। वहीं पर दशुन सनाका ने एडम जंपा की 9 बॉल खेली है, 9 बॉल में सिर्फ 2 रन बनाए और 3 बार आउट हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लो थोड़ा काम आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं माइल उसकी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बातें बोल रहा हूँ, इनको फॉलो करना। बाकी मैं आपको आगे टीम मतलब बताऊंगा और उसमें टीम में आपको ये भी बता दूंगा कि मतलब किस कौन सी टीम को कब ट्राई करना है, ठीक है, चेंजेस बताऊंगा कैसे करना। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट टिप्स बताने से पहले बताया था माइल एंड सर्कल का प्लीज़ डाउनलोड करना, फ्री में 1500 रुपये का बोनस मिल जाएगा मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, और ये पहले डिपॉजिट पर 20% का एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा, ठीक है। फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है तो हो सकता है कि एडम जंपा के पूरे ओवर वो मतलब कराए ना, वो ये भी हो सकता है, ठीक है। और मिचेल मार्स के जो है ज़्यादा चांस है, अगर कोई जैसे लास्ट में मैक्सवेल ने किया था वही 5वां बॉलर था, बट अगर कोई अगर 6 बॉलर बॉलिंग कराएगा तो मिचेल मार्स के होने के ज़्यादा चांस हैं, मार्कस स्टोइनिस मेरे ख्याल से बॉलिंग नहीं कराएगा। वनिधि सरंगा बैटिंग में तो ऊपर मतलब शनाका से ऊपर आएगा ही बैटिंग में आ सकता है, बाकी बॉलिंग में उसको ज़्यादा जो है टर्न मिलेगा नहीं, स्पेशली सेकंड इनिंग में अगर सरंगा बॉलिंग करा है तो उसकी बॉलिंग पर डिपेंड होता रहना, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करा है तो हाँ आप उम्मीद कर सकते हो चलो 1-2 विकेट आपको उसने लेके दे दिया, बट अगर सेकंड इनिंग बॉलिंग करा है तो उतना मत करना, ठीक है। और आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हसरंगा ने रन बना दिए थे, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ रन बना हसरंगा के बस की बात नहीं हो, कांच से बाहर है, ठीक है। देन विकेट कीपिंग सेक्शन में कुशल परेरा मस्ट पिक है, उसको जरूर रखना, ठीक है, कोई चांस नहीं लेने का। स्टीव स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बैटिंग सेक्शन में, और वार्नर को दोनों कंडीशन पर आपको लेना है, वार्नर को दोनों कंडीशन पर लेना है, चाहे पहले बैटिंग करें ऑस्ट्रेलिया चाहे बाद बैटिंग करें। बाकी एरॉन फिंच को अगर आपको लेना है, देखो मेरा मनहूस है, आपको मन है ले लो, आपको मन ना लो, बट मेरा मनहूस प्लेयर है, मैं वैसे इसको लेना नहीं चाहता, बट फिर भी अगर ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी तो मैं फिंच को रख लूँगा, ठीक है। अब इसका फर्नांडो और हो सकता है ना भी रखूँ, जरूरत पड़ी तो नहीं भी रखूँगा। बाकी मिचेल स्टार्क जो है पहली इनिंग में अगर बॉलिंग करेगा तो अच्छा रहेगा। जॉस हेजलवुड और पैट कमिंस ये दोनों बॉलर चाहे पहली इनिंग बॉलिंग करें चाहे दूसरी इनिंग बॉलिंग करें, ये दोनों बॉलर फिर भी अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर आज के मैच में बॉलिंग करेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि सामने जो है श्रीलंका की टीम में बहुत लेफ्ट हैंडर है, कुशल परेरा हो गया आपका, असलंका हो गया, रजापक्सा हो गया, है ना, तो काफ़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज काफ़ी हैं, तो फिर ये बंदा जो है आपको पूरे 4 ओवर करके देगा ग्लेन मैक्सवेल, और बैटिंग में भी 5 नंबर पर आएगा बैटिंग करने, हो सकता है 4 पर भी आ जाए, ठीक है। दुष्मंत चमीरा जो है श्रीलंका का वो पहली इनिंग में अगर बॉलिंग करेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और लहिरू कुमारा और ये भी फर्नांडो में लिखा, फर्नांडो तो खेलेगा ही नहीं उसकी जगह पर, शायद ठीक साना खेलेगा, चलो अगर खेले तो मान लेना, नहीं तो फिर आप लहरू कुमारा की जगह पर आप चमिका करुणा रत्ने को ऐड कर लो, ठीक है। ये जो है सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेंगे,
ठीक है ओके। और बाकी और दशुन सनाका को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो, अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे तो आप दशुन सनाका को भी अपनी टीम में रख सकते हो, सकता है एक दो और बॉलिंग भी कर जाए, बट बैटिंग में साला हसरंगा से भी नीचे आ रहा है तो मन नहीं करता फिर लेने का, मन करता है लेकिन डर लगता है, गांड फटती है लेने में, साला कहीं वेस्ट ना हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में कि मैंने क्या मैच के प्रेडिक्शन मैंने आपको मतलब दिए हुए हैं, क्या मैच के प्रेडिक्शन मैंने आपको जो है मतलब कि मैं दे रहा हूँ, मुझे क्या लगता है आज के मैच में कौन मारेगा कौन नहीं, कौन कब मारेगा कब नहीं मारेगा, सारी चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान सुनना। लेकिन उससे पहले मेरे फाइनल जो मैच के प्रेडिक्शन होंगे, कोई भी अगर चेंज होता है, मेरी टीम में कोई चेंज होता है तो आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। अगर लिंक अगर ओपन ना हो तो टेलीग्राम पर ये सर्च करना अनुराग द्विवेदी मेरा नाम सर्च करना, वेरीफाइड चैनल है, ब्लू टिक लगा हुआ है, ज्वाइन कर लेना, 3,95,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जाकर जुड़ जाओ, ठीक है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं मैच के प्रेडिक्शन की। देखो कुशल परेरा मुझे लग रहा है चाहे पहली इनिंग में बैटिंग करे चाहे दूसरी इनिंग में बैटिंग करे, कुशल परेरा अच्छा करेगा, मैं नहीं कहता 70-80 मार जाएगा, हो सकता 30-40 मार जाए, 25-30 मार जाए, 20-25 मार जाए, बट अच्छा करेगा, फ्लॉप नहीं जाएगा कुशल परेरा। दशुन सनाका मुझे लग रहा है कि अच्छा आज अच्छा कर सकता है क्योंकि अच्छी बॉलिंग अटैक है और शुरुआत में इनके विकेट्स गिरेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है दशुन सनाका अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर पहली इनिंग में मतलब बैटिंग करता है, ठीक है। दुश्मंत चमीरा अगर पहली इनिंग में अगर बॉलिंग करेगा तो वो विकेट लेगा, 2-3 विकेट आज दुश्मंत चमीरा लेने वाला है। और बाकी निशानका असलंका अविका फर्नांडो और रजापक्सा ये जो चार बल्लेबाज है ना, इन चारों में दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ, कौन कौन है, एक तो फर्नांडो हो गया और एक हो गया असलंका, बाकी जो निशानका और ये जो रजापक्सा है इन दोनों को मैं नहीं लेने वाला, ये दोनों फ्लॉप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। फिर वनिधु असलंका मुझे बता रहा हूँ, वनिधु असलंका इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराएगा तो हम बॉलिंग से उसकी एक विकेट से ज्यादा वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराएगा तो हो सकता है चलो दो विकेट्स ने ले भी लिए, ठीक है, तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है वनिधु असलंका, ड्रॉप मत करना मेरे कहने पर, ड्रॉप मत करना उसको, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि 5 नंबर पर वो बैटिंग करेगा, हो सकता है कि चलो स्मिथ को नीचे आ जाए, मिचेल मार्श नीचे आ गया, मैक्सवेल ऊपर आ गया, वो तो अलग बात है, सबका कैप्टन होगा और प्लस ये चार ओवर बॉलिंग भी कराएगा, तो मैक्सवेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाई वही डेविड वार्नर मुझे लग रहा है दोनों इनिंग में बैटिंग करेगा मारेगा, और आज मुझे लग रहा है 40 रन कम से कम डेविड वार्नर बनाएगा, अगर डेविड वार्नर अगर 40 रन नहीं बनाए कसम से फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। और एरॉन फिंच मुझे लग रहा है अगर बैटिंग सेकंड करेगा तो हल्का फुल्का मार देगा, बाकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए फ्लॉप हो जाएगा, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। फिर मुझे लग रहा है मिचेल मार्श अगर ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो आज मिचेल मार्श जो है ना वो रन मारने वाला है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहली इनिंग में अगर बॉलिंग कर रही है तो मिचेल स्टार्क 2-3 विकेट लेके जाएगा, ठीक है। और जॉर्ज हेजलवुड और पैट कमिंस ये दोनों अच्छा, ये दोनों अगर देखो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करा रहे हैं तो हो सकता है डिसेंट करें, अच्छा अच्छा कर जाए, हेजलवुड की वजह से चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों को भी टीम में रखना जरूरी है यार, प्लीज़ रख लेना, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो प्लेयर वहाँ चोदने वाला है, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ दोनों को रखना जरूर टीम में, कोई भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारे मतलब मैच के प्रेडिक्शन थे। अभी देखो अभी मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम भी बताऊंगा, मतलब कि मैंने एक टीम बनाई है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पहले बैटिंग करे तो इस टीम से जाना है, एक टीम मैंने बनाई कि ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो इस टीम से जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं माइलियन सर्कल की टीम में आपको दिखाया था, आप स्क्रीन पर देख लो, ये मैंने माइलियन सर्कल की टीम बनाई हुई है, यहाँ पर देखो मैंने ऑलराउंडर बॉलर ही भर ली है, यहाँ पर एक खासियत है यहाँ पर कोई क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैं आपको मैं चाहूँ तो एक बल्लेबाज लूँ, मैं चाहूँ तो 6 ऑलराउंडर ले लूँ, तो वो चीज़ है, इसलिए यहाँ पर एक बढ़िया टीम बनती, मन चाहे टीम बन जाती, मन चाहे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता है, तो माइलियन सर्कल पर इसलिए मैं ग्रैंडली में वहाँ पर खेलता हूँ। तो आप लोग भी माइलियन सर्कल का ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर खेलना मेगा लीग ग्रैंडली, वहाँ खेलो, आपकी रैंक बहुत अच्छी है कि बहुत कम कॉम्पिटिशन है, ठीक है। बाकी माइलियन सर्कल की जो फाइनल टीम होगी वो तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, बट मेन जो भी ड्रीम इलेवन वाली टीम है ना ये मैं शायद नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते नहीं, मेरा मूड खराब होता है फिर, तो अब चलो चलो ड्रीम इलेवन टीम आपको दिखाता हूँ मैं अपनी। देखो आप ये देख सकते हो मेरी ये टीम है, अब ये टीम आप देखो इसमें क्या है कि मैंने ये टीम है, ऑस्ट्रेलिया टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो ये मेरी ये टीम रहेगी, स्टार्क भी है, कमिंस भी है, हेजलवुड भी है, मैक्सवेल भी है, ठीक है। तो अगर इस टीम में आप चेंजेस क्या कर सकते हो, आप इसमें स्टीव स्मिथ को ले सकते हो एरॉन फिंच की जगह पर या फिर मिचेल मार्श की जगह पर। दोस्तों अगर मैं रिस्क लूंगा तो मैं एरॉन फिंच को ड्रॉप करके मैं लूंगा स्टीव स्मिथ को, बट सेकेंड इनिंग में मैं बैटिंग अगर अब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रही तब ये टीम बनी है ना, तो अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करी सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम बैटिंग करेगी तो मैं इन्वेस्टमेंट देखूंगा, अगर मैं हेड टू हेड ज़्यादा ज्वाइन कर रखी है तो फिर मैं फिंच को रख ही लूंगा, अगर मैंने थोड़ा रिस्क मुझे अगर रिस्क लेने का मन हुआ तो मैं फिंच को ड्रॉप करके मैं स्मिथ को रख लूंगा, ठीक है। बाकी मिचेल मार्श मुझे दिन अच्छा लग रहा है तो उसको रखना ही है। और हाँ
या फिर मिचेल मार्श को ड्रॉप करके। तो आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि मेरे लिए मनहूस प्लेयर है भाई एक्चुअली ये है। अगर मैंने इसको अपनी टीम में लिया सारा चलेगा नहीं, मैंने नहीं लिया तो थोड़ा बहुत अच्छा कर ही जाएगा, वो चीज़ है। ओके फिर आप कैप्टन वाइस कैप्टन आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कैप्टन, आप देख रहे हो कैप्टन मैंने डेविड वॉर्नर को किया हुआ है, वाइस कैप्टन मैंने किया हुआ है मैक्सवेल को। आप चाहो तो मैक्सवेल को कैप्टन भी कर सकते, कैप्टन कर सकते हो ठीक है, और वॉर्नर को वाइस कैप्टन कर सकते हो। या फिर आप अगर आपको अगर सेफ जाना है तो आपने हसरंगा को वाइस कैप्टन कर दिया सेफ जाने के लिए, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है ठीक है। वॉर्नर मुझे लग रहा है मारेगा तो मैं वॉर्नर के ऊपर थोड़ा भरोसा दिखा रहा हूँ ठीक है। बाकी मैक्सवेल को कैप्टन करना गलत नहीं होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा, अच्छा है सेफ है, वो आप चाहो तो कर सकते हो। रिस्क लेना है प्लेयर्स पर ले लो, कैप्टन वाइस कैप्टन में रिस्क मत लो। ओके अभी दोस्तों हम बात करते हैं मैक्सवेल जैसे प्लेयर पर, तो बिल्कुल भी रिस्क मत लो। बाकी अब आप स्क्रीन पर एक टीम देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं इस टीम से जाऊंगा। अब इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, इसमें आप किसी एक प्लेयर को जिसको भी आपको मन करे ड्रॉप करने का, आप उसको ड्रॉप करके आप चाहो तो एरॉन फिंच को ऐड कर सकते हो। इसमें मैंने एरॉन फिंच को नहीं रखा हुआ है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर आप एक श्रीलंका का एक्स्ट्रा बॉलर जो है ले सकते हो, एक्स्ट्रा बॉलर मेरे ख्याल से लहिरू कुमारा अच्छी चॉइस है। अगर आपका मन है तो आप किसी को ड्रॉप करके आप रख लो इसको लहिरू कुमारा को, एक एक्स्ट्रा बॉलर आप रख सकते हो श्रीलंका का ठीक है। ओके बाकी हसरंगा को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करा रही है श्रीलंका की टीम तो हसरंगा एक दो विकेट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। ओके क्योंकि लेग स्पिनर के सामने स्टॉइनिस और ये मैक्सवेल और कौन है और फिंच, ये तीन बैट्समैन हैं ये लेग स्पिनर के सामने काफ़ी स्ट्रगल करते हैं ठीक है। ओके अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बाकी, और तो बस यही मेरा मतलब, यही मेरे मतलब कि दो टीम थी। बाकी देख अगर कोई चेंज होगा मेरी टीम में तो मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा, अदरवाइज यही मेरी टीम रहने वाली है ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जीतो और मैं आपको जिताऊं। बाकी टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। शायद आज दिन में 1,00,000 रुपये का गिवअवे भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाए ठीक है। और जिस भाई ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ठीक है, और माय लियोन सर्कल का ऐप डाउनलोड कर लो, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दो, ताकि मैं भी खुश रहूँ आप भी खुश रहो और सब लोग रोज़ पैसा कमाएं और क्या है ठीक है। बाकी यही ज़िंदगी है। और अभी हुडी बढ़िया लग रही ना, सही बताना भाई, अपन क्या अभी नहाया तो नहीं हूँ, एक दो दिन बाद नहाऊंगा, जब दो चार दिन बाद तो नहा के सोचूंगा, फिर मैं डेट पे जाऊंगा तो सोच रहा हूँ यही वाली हुडी पहन के जाऊँ। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और मिलते हैं टेलीग्राम पर शाम को, और दोपहर में एक गिवअवे के साथ मिलते हैं। ओके बाय, लव यू, ख्याल रखिएगा अपना, मौज करिएगा।